क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन पावर 12 प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं गिवन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हमें गिवन है। साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर भेजेंगे तो साइन थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई कोस स्क्वायर थीटा। अब हम ले लेते हैं वैल्यू जो हमें निकालनी है, कोस 12 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा प्लस 3 कोस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। यहां पे हमने निकाला कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है साइन थीटा, तो हम यहां कॉस 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से हमने निकाली है साइन थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हम इन दोनों में से अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो ये 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा माइनस में 2। नाउ ये जो कॉस 6 थीटा है ये सेम कॉस 6 थीटा उतार लेते हैं, और इन दोनों वैल्यूज में से 3 कॉस 6 थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इसके पास बचेगा कॉस 4 थीटा प्लस इसके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां बचा हुआ है कॉस 12 थीटा, तो कॉस 12 को भी हम कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 6 बोल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा हमने निकाला था साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा की पावर 6। अब हमने यहां इन दोनों में से 3 कॉस 6 थीटा कॉमन क्यों लिया, ताकि हम कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा में चेंज कर देंगे और ये एक क्यूब रूट की आइडेंटिटी बन जाएगी, वो भी देखते हैं। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हम इन दोनों की जगह डाल देंगे 1, तो 2 इंटू 1 2, और ये माइनस में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बची अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म। अब इसे कन्वर्ट करते हैं, साइन 6 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इसी तरह से कॉस 6 थीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब की, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हम इस इक्वेशन को इस टर्म में कन्वर्ट करके और a प्लस बी का होल क्यूब बनाएंगे। नाउ ये हमने a क्यूब बना दिया है, ये b क्यूब बना दिया है, प्लस में 3, अब हमें चाहिए 3 के मिनटू में a और b, a है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां हमारे पास कॉस 6 थीटा है, तो कॉस 6 थीटा को हम कॉस 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये हमने सिर्फ कॉस 6 थीटा को लिखा है इसे। अब कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, और अंदर देखते हैं इसे भी कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस ये सेम रहने देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये सेम है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3, अब हम यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहां से आया है, इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा ये सेम रहेगा,
और ब्रैकेट में इस को स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिख लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी के होल क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल क्यूब के इक्वल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो वन का क्यूब आंसर आ गया हमारा वन।